Hello students, and once again welcome back to your online class. We have begun with a new chapter, that is chapter number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. And this chapter belongs to your supplementary reader book named Moments. Let's have the short summary what we have seen in these two videos of the past. हमने अभी तक क्या देखा पास्ट की दो वीडियोस में कि जो टोटो था ही वॉज अ पेट मंकी. वो कैसा एनिमल था? एक पेट मंकी जिसको एक टोंगा ड्राइवर अपने हॉर्स की जगह उस मंकी के थ्रू उस टोंगा को ड्राइव करता था. एंड ग्रैंडफादर ने उस मंकी की कंडीशन देखकर कि किस तरीके से टोंगा ड्राइवर उसको कंटिन्यूसली तेज़ धूप में यहाँ से वहाँ ले जाता है एक हार्श होम में, उसने डिसाइड करा कि वो उस पैट मंकी टोटो को परचेज करेगा फ्रॉम हिम. एंड फॉर दैट ग्रैंडफादर ने क्या अमाउंट पे किया था? 5 रुपीज़ टू द टोंगा ड्राइवर. एंड तब जाकर ग्रैंडफादर को ऑलरेडी एक क्रेज़ था कि वो हर तरीके के पैट एनिमल्स को कलेक्ट करें एंड उन्हें अपने एक प्राइवेट जू में रखें. जस्ट बिकॉज उन्हें एनिमल्स को किसी भी तरीके का टॉर्चर या बीट करना अच्छा नहीं लगता था, तो जो भी ऐसे एनिमल्स होते थे पेट एनिमल्स जो कि कहीं ना कहीं से अलोन या सेपरेट या चोट खाए हुए हों या कोई ना कोई पर्सन उन्हें मारता हो, क्रुएल्टी दिखाता हो, ऐसे एनिमल्स को ग्रैंडफादर अपने प्राइवेट जू में लेकर आते थे. एंड टोटो वॉज वन ऑफ देम. बट टोटो ही वॉज नॉट लाइक अदर एनिमल्स. उसने रस्किन बॉन्ड का, मेन ऑथर का सारा रूम डिस्ट्रॉय कर दिया जब उसको कुछ टाइम के लिए वॉल से बांधा गया. ही वॉज फासेंड. उसे ग्रैंड मदर से छिपाया गया जस्ट बिकॉज ग्रैंड मदर कैन गेट फर्स्ट. वो इस एनिमल को देखकर जो कि हर बार मटेरियल्स या तो डिस्ट्रॉय करता है या लोगों को परेशान करता है, ऐसे एनिमल को देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है, वो टेंशन में आ जाती है. इसलिए अभी तक टोटोज आइडेंटिटी वॉज हिडन फ्रॉम द ग्रैंड मदर. एंड जब टोटो को प्राइवेट जू में रखा गया तब टोटो ने किसी भी एनिमल के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करा and he directly annoyed all the animals. That's why grandfather decided ki jab wo bahar jayenge means to Dehradun just to collect his pension in Saharanpur, so he decided that he will take Toto along with him. But just because Toto was not a shy pet animal, usne har jagah apne face ko ek canvas bag mein se bahar nikalne ki koshish kari. एंड वेन द टिकट कलेक्टर हैड सीन टोटो, उन्होंने क्या करा? उन्होंने टोटो को एज पेट डॉग बोलने की रिक्वेस्ट करी टू ग्रैंड फादर बिकॉज पेट एनिमल्स एज मंकीज वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन ट्रेन. एंड इस अकॉर्डिंग टोटो कंटिन्यूसली ग्रैंड फादर के साथ उनकी पूरी जर्नी में रहा बींग अ पेट डॉग. सो नाउ वॉट वी हैव टू डू, लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 9. To cover up the third part of this chapter, see the image first. It's written there Saharanpur station, and see Toto, the monkey, red colored monkey, जो canvas heavy bag था उसने किस तरीके से अपना head बाहर की तरफ poke किया था, that is seen. And it's a scene of railway station, that's why the train is moving alongside, and he is the ticket collector. So now come to the paragraph of the page. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. जब grandmother ने टोटो को एक्सेप्ट करा तब फाइनली टोटो को कहाँ रखने की परमिशन मिली? एक स्टेबल में, जो उसके लिए शायद एक कंफर्टेबल बड़ा सा घर होगा जिसमें वो काम या पीसफुली रह सके. एंड वहाँ उस स्टेबल में उसका कंपेनियन एक हॉर्स नहीं था, दैट वाज अ डोंकी, अ फैमिली डोंकी. एंड द नेम ऑफ द डोंकी वाज नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay.
ग्रैंडफादर ने टोटो की फर्स्ट नाइट जो कि स्टेबल में स्पेंड होने वाली थी जस्ट उसको एक विजिट देने के लिए कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं, या अपने से बड़े पेट एनिमल को देखकर मींस डोंकी नाना को देखकर हु वाज अ फीमेल, उसको देखकर वो प्रॉब्लम में है या नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए ग्रैंडफादर वहाँ तक गए थे। बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर हिम, उन्होंने ये देखा कि नाना एक फीमेल डोंकी वो अपने आप को पुल कर रही थी फ्रॉम द हॉल्टर, मीन्स जिस रोप से वो टाइट थी, जिस बेल्ट से वो टाइट थी, वो अपने आप को पुल कर रही थी कि वो कैसे भी करके स्टेबल से बाहर निकल सके। एंड जिस हे को वो खाना चाहती थी, बंडल ऑफ हे, वो इतनी कोशिश कर रही थी कि वो उस हे से अपने आप को दूर रखे, वो सूखी हुई ग्रास को या हे को कंज्यूम ना करे। तो ग्रैंडफादर को समझ में नहीं आया कि इस तरीके के अपेरेंट कॉज वो क्यों क्रिएट कर रही है, जो उसके लिए एक फैमिली स्टेबल है वहाँ से वो इतनी ज़्यादा खिंची हुई या दूर क्यों जाना चाहती है। एंड नाना की इस सारी एक्टिविटी को देखकर कि वो किस तरीके से अपना बैलेंस लूज कर रही है वो डोंकी और उसको क्या हो गया, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैब अक्रॉस हर हॉन्चेस। एंड नाना का जो लॉन्ग एक नेक पोर्शन होता है वहाँ पर ग्रैंडफादर ने उसे एक स्लैब दिया एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। एंड नाना एकदम से सरप्राइज हो गई, वो डर गई, घबरा गई एंड फाइनली उसने अपने आप को एक बैकवर्ड पुश दिया एंड अपने साथ टोटो को भी बैकवर्ड पुश कर दिया। शी ड्रैग टोटो विथ हर। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नाना ये सब क्यों कर रही थी, बिकॉज टोटो ने बहुत ज़ोर से बाइट किया था नाना के लॉन्ग ईयर्स पर उसके शार्प लिटिल टीथ से। एंड तब जाकर नाना टोटो से चिड़ी हुई थी एंड उसको उसी दिन उस पूरे के पूरे स्टेबल को छोड़कर कहीं बाहर जाना था। शी वॉज पेनफुल। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इसीलिए टोटो और नाना कभी भी उस स्टेबल में साथ में रहकर भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम माई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग until he was into the water up to his neck. अब यहाँ पर ग्रैंडफादर ने टोटो की एक और बात बताई है। टोटो जो था, टोटो को सबसे ज़्यादा पसंद था नहाना, बेदिंग या फिर बाथिंग, तो उसके लिए ग्रेट ट्रीट थी विंटर में, क्योंकि जैसे ही कोल्ड विंटर इवनिंग्स आई, ग्रैंड मदर खुद से टोटो के लिए एक बड़ा सा बाउल ले जाती थी ऑफ वार्म वाटर जिसमें टोटो बहुत इजीली ना सके, अ फॉर्म ऑफ टब। एंड टोटो कनिंगली जिस तरीके से ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड अपने वाटर का टेम्परेचर चेक करते थे उसी अकॉर्डिंग वो भी जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स पहले अपना एक हैंड डालकर उस वाटर के टेम्परेचर को चेक करता था, देन उसमें फर्स्ट स्टेप अपने फुट का रखता था, देन अनादर फुट एंड लाइक दिस वो तब तक वाटर को चेक करता था जब तक उसकी नेक उसमें अच्छे से डिप ना हो जाए। And that is what he was copying from his master, that is the grandfather, as well as from Ruskin Bond. Again, what we have seen, just go through it. With this, we are ending the third part of this chapter. Tomorrow, we will continue with the fourth last part of this chapter as well. Till then, please go through this part. Thank you. Students, and have a nice day.